गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। देखो बीएससी थर्ड सेमेस्टर में, आज मैं आपको थर्ड सेमेस्टर की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वही बता रही हूँ, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर में आपको एक चीज है एच एस ए बी, यानी हार्ड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिक फॉर्म होता है, ठीक है। हार्ड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिक, ये चीज है। तो कठोर तथा मृदुल अम्ल और क्षार का सिद्धांत, कभी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कठोर अम्ल और मृदुल क्षार का सिद्धांत। सबसे पहले पियर्सन ने एक सरल सिद्धांत दिया था, इस सिद्धांत के अनुसार कठोर अम्ल अधिकतर कठोर बेस तथा मृदुल अम्ल अधिकतर मृदुल अम्ल के संयोग से बनते हैं। जटिल यौगिक कैसे बनता है आपको मालूम होना है, एक चीज उदाहरण से समझ में आएगा कि एसिड और बेसिक दोनों कठोर और दोनों मृदुल है। इलेक्ट्रॉन युग्म दाता लुईस अम्ल में आप देखोगे सपोज दैट बेस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होता है, ठीक है, यानी कि डोनर हो गया प्लस एसिड, ओके। बेस जो है डोनर हो गया, एंड जो एसिड होता है लुईस अम्ल जो होता है वो एक्सेप्टर होता है, ओके। तो डोनर और एक्सेप्टर दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, कॉम्प्लेक्स या जटिल आयन बनाते हैं। सीधा सिंपल है, तो बी एंड ए मिलकर क्या बनानी है, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं यौगिक कंपाउंड। यदि दोनों एक कठोर तथा दूसरा मृदुल हो तो जटिल यौगिक स्थाई नहीं होगा। यदि एक कठोर और दूसरा क्या होता है इसमें यदि मृदुल हो तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो परमानेंट नहीं बनेगा, ठीक है। तो कठोर बेस तथा मृदुल अम्ल सिद्धांत जो हम बता रहे हैं हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिक, आपको ये समझ में आया होगा कि लुईस बेस जो होता है लुईस क्षार इलेक्ट्रॉन युग्म का दाता होता है, और लुईस अम्ल जो होता है इलेक्ट्रॉन युग्म का ग्राही होता है, यानी एक डोनर होता है एक एक्सेप्टर होता है। इन दोनों का जब कठोर दोनों ए और बी दोनों कठोर और मृदुल अम्ल के रूप में बता रही जटिल यौगिक बनाते हैं। यदि दोनों में एक कठोर है तथा दूसरा मृदुल है, मीन ए का स्ट्रॉन्ग है और एक वीक है, तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा यानी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक वीक एसिड है, ठीक है, या एक स्ट्रॉन्ग बेस है और एक वीक बेस है, तो जो कॉम्प्लेक्स जो बनेगा वो क्या बनेगा, ज्यादा देर तक स्थायी नहीं रहेगा। कुछ एप्लीकेशन होता है, देखिए इसमें सॉल्युबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स हैविंग अ सम लिगेंड, ओके, तो समान लिगेंड युक्त जटिल यौगिकों का स्थायी। पियर्सन के अनुसार कठोर तथा मृदुल अम्ल बेस सिद्धांत को बताया, उन्होंने बताया लुईस अम्ल इलेक्ट्रॉन दाता होता है और लुईस क्षार और लुईस अम्ल ग्राही होता है। ये दोनों यदि एक कठोर है तथा दूसरा मृदुल है तो जटिल यौगिक स्थायी नहीं बनेगा, ठीक है। यदि उदाहरण मान लो जैसे सिल्वर आयोडाइड अस्थायी है क्योंकि इसमें एक कठोर है और एक मृदुल है। उदाहरण के लिए आयोडीन क्या होता है, मृदुल बेस होता है। सिल्वर आयोडीन का उदाहरण ले लो, तो इसमें आयोडीन क्या होता है, आयोडीन इसमें आपका होता है मृदुल बेस, यानी कि सॉफ्ट बेस होता है, ठीक है। और जो सिल्वर होता है वो अम्ल होता है, कैसा होता है, मृदुल अम्ल होता है, इसीलिए दोनों स्थायी हो जाएंगे। अगर इसी में अपन फ्लोराइड जोड़ दे तो वो अस्थाई में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या चीज बताया कि यदि एक कठोर है यानी एक स्ट्रॉन्ग है और दूसरा सॉफ्ट है, मतलब एक कठोर अम्ल है या फिर आप कठोर और दूसरा क्या है मृदुल है, तो स्थाई नहीं होगा, और ठीक है। इसी प्रकार आप देखोगे यदि कठोर अम्ल और कठोर क्षार मिलता है, यानी दोनों कठोर है, सीधा सिंपल है, यदि अम्ल भी कठोर है और क्षार भी कठोर है तो दोनों स्थाई होगा। यदि अम्ल वीक है और क्षार सॉफ्ट मींस ये तो वो अस्थाई होगा। तो दोनों होना चाहिए, या तो दोनों सॉफ्ट अम्ल हो सॉफ्ट क्षार हो तो स्थाई बनेगा, यदि स्ट्रॉन्ग कठोर क्षार हो और कठोर अम्ल हो तो स्थाई बनेगा। बट लेकिन एक अगर मृदुल है और एक क्षार है तो वो अस्थाई बनता है, ये चीज आप याद रखना, ठीक है। ये किसके अंतर्गत है, कॉम्प्लेक्स जो मैंने बताया समान लिगेंड के लिए, जब लिगेंड समान होते हैं विभिन्न लिगेंड का मतलब क्या होता है, एक लिगेंड अलग अलग प्रकार से जुड़े हुए हों, उदाहरण के लिए कोबाल्ट पेंटा क्लोरीन, ठीक है। तो कोबाल्ट क्या है, इसमें कठोर अम्ल होगा, अमोनिया क्या होगा कठोर क्षार होगा, और फ्लोरीन क्या होगा कठोर बेस होगा। तो डिफरेंट जब सेम रहे, सपोज दैट एक सा रहता है तो उसको क्या कहते हैं अपन, समान कॉम्प्लेक्स,
और जब विभिन्न प्रकार के होते हैं तो उनको कहते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के, है ना। यह क्या कहेंगे अपन उसको, विभिन्न प्रकार के लिगेंड युक्त जटिल यौगिक कॉम्प्लेक्स। तो जटिल यौगिक कॉम्प्लेक्स पहले भी मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको, कोबाल्ट है, मान लो कोबाल्ट है, हेक्सा, एमीन, तो इसमें तीनों चीजें अलग है, कोबाल्ट भी अलग है, NH3 भी अलग है, ठीक है, और फ्लोरीन भी अलग। कोबाल्ट क्या है, कठोर अम्ल होता है, और NH3 क्या होता है, कठोर क्षार होता है, और फ्लोरीन क्या होता है, कठोर क्षार होता है। तो तीनों डिफरेंट है, तो ये अलग अलग मिलके बन गए, ठीक है। जटिल यौगिक में स्थायी लिगेंड और विभिन्न प्रकार के आधार पर समझाया भी जा सकता है, ठीक है। तो हमने पहले ही समझाया था, यदि कठोर कठोर होते तो स्ट्रांग होता है, सब अलग अलग है तो ये वीक होगा, ठीक है। इसके बाद है तीसरा, प्रिडिक्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं में संपन्न होना। रसायन कठोर तथा मृदुल अम्ल बेस सिद्धांत पे कठोर मृदुल अम्ल कठोर मृदुल अम्ल कठोर अम्ल, इस तरह वह क्रिया ये अग्र दिशा में होती है, ये रासायनिक क्रियाएं इसमें होती है, रासायनिक क्रियाओं के द्वारा, जैसे मान लो कैल्शियम क्लोराइड मृदुल अम्ल, लिथियम आयोडाइड कठोर अम्ल, ठीक है। अब देखो इसके बाद कुछ ऐसी चीजें होती है, एमेंडेस लिगेंड द्वारा बने जटिल आयन। अवेंडेस लिगेंड क्या कहलाती है, एक दंती लिगेंड जो होते हैं वो अवेंडेस लिगेंड कहलाते हैं, इसके अंतर्गत ये भी आता है। खनिजों से प्राप्ति ऑक्रेंस ऑफ द जो माइंस जो होते हैं उनसे भी, माइंस क्या कहलाते हैं, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, एल्यूमिनियम होता है, ठीक है, ये सब क्या कहलाते हैं, कठोर अम्ल कहलाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन कठोर क्षार कहलाते हैं, ये खोद करके भी निकाले जाते हैं। कुछ उत्प्रेरक विष के रूप में, कुछ ऐसे उत्प्रेरक जैसे प्लेटेनियम प्लेटेनियम पोलेडियम, ये रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो ये भी किसके, ये भी उत्प्रेरक ऐसे क्रियाशील ऑक्साइड फास्फोरस वगैरह जो होते हैं जिनकी उपस्थिति से क्या होती है, जैसे कि प्लेटेनियम अगर रखोगे पोलेडेनियम रखोगे तो उत्प्रेरक क्रिया अच्छी होगी, पर इसकी जगह अगर फास्फोरस वगैरह रख दोगे तो उत्प्रेरक जो होते हैं, उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं, किसी क्रिया को करने के लिए रासायनिक क्रियाओं को संपर्क कराने का काम कराते हैं वो कहलाते हैं, तो वो उसको हानि पहुंचाते हैं। इस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया यह सिद्धांत अम्ल और क्षार सिद्धांत के मापन पर निर्भर करता है। इस सिद्धांत में अम्ल और क्षार की कठोरता और मृदुलता समान रूप होनी चाहिए। ये सब चीजें जो हाइड्रोजन जो कि आपको मैं हार्ड फास्ट एसिड बेसिक में बताई, मैंने पहले ये प्रकार बताए, इंपोर्टेंट टॉपिक है, BSc थर्ड ईयर केमिस्ट्री के लिए। थैंक यू।